दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से एक फिर से नया राशन कार्ड, स्मार्ट राशन कार्ड का ऑप्शन आया हुआ है, उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं पूरा कंप्लीट तरीका बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना स्मार्ट राशन कार्ड डाउनलोड करेंगे और दोस्तों आप उस राशन कार्ड को आप कहीं भी अपना यूज कर सकते हैं, एड्रेस प्रूफ के तौर पर या और भी कहीं भी जो डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं तो उसको आप लगा सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो पे, देखिए और सीखिए। तो दोस्तों आपको जैसे आपको प्ले स्टोर से आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, ये डिजी लॉकर का एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से। उसके बाद से आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों ये मैं बता दूँ, ये दोस्तों आप ये जो एप्लीकेशन, ये सरकारी एप्लीकेशन है, तो भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया हुआ है, तो आपको ये डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद से दोस्तों आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ से भाषा चूज करने का ऑप्शन आएगा। तो आपको अपना जो भी भाषा है वो आपको इतना चूज कर लेंगे, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपका जो भी लैंग्वेज है चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ से देखिए इसके बारे में कुछ बताए जा रहे हैं, ये सारे आपको डिलीट करना है कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद से आप यहाँ पे लेट्स गो का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसको आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा आपका। इंटरफेस खुलने के बाद से दोस्तों यहाँ से गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ गेट स्टार्टेड वाले पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपके पास इसका पहले से अगर आपने अकाउंट बनाया होगा तो साइन इन वाले पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड या मोबाइल नंबर डाल देना है और अपने जो 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन बनाया हुआ है वो आपको डाल देना है। डालने के बाद से साइन इन कर लेना है। अगर दोस्तों आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे देखिए क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड के हिसाब से जो यहाँ पे फुल नेम है आपको फुल नेम डाल देना है। उसके बाद से दोस्तों आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार कार्ड में जो पड़ा होगा उसका आपका डेट ऑफ बर्थ, वो वाला डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है। उसके बाद से मेल या फीमेल है या अपना जेंडर चूज कर लेंगे। उसके बाद से दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद से दोस्तों आपको अपने मन से 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन बनाना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ अपना ईमेल आईडी एक दे देंगे। उसके बाद फिर नीचे यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वो वाला ओटीपी डाल के सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए हमारा अकाउंट है तो हम साइन इन वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से अब अपने यहाँ से आधार कार्ड नंबर और अपना ये जो सिक्योरिटी डिजिट है 6 डिजिट का उसको क्लिक करके हम लॉगिन करके आपको आगे का बताते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे आप लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे तो अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको डाल के आपको सबमिट कर देना है। तो जैसे सबमिट करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। देखिए हमारे मोबाइल पे ओटीपी आ गया है, हम डाल रहे हैं। डालने के बाद सबमिट वाले पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद से दोस्तों आप फिर से आपका ओपन हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपका वेलकम किया जाएगा। आपका जो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल आपके आधार कार्ड में जो आपका फोटो लगा होगा वो वाला फोटो आपको यहाँ पे दिखाएगा और यहाँ से आपका आपका मोबाइल आपका नाम दिखा दिया जाएगा, आपका सारा डिटेल्स आपका आ जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको धीरे से आपको यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट यू माइट नीड यहाँ आ रहा है। यहाँ से देखिए मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से आपको दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ राशन कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ राशन कार्ड वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ से अपना राज्य चूज कर लेना है, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो वाला अपना राज्य चूज कर लेंगे। यहाँ से देखिए फूड एंड सिविल, जैसे हम उत्तर प्रदेश से हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से दोस्तों आपका नेम में आपका आधार कार्ड का जो आपका जो आपके आधार कार्ड में जो नाम रहेगा वो डाल देना है, आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद से आपका जो राशन कार्ड नंबर है वो राशन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद से आपको दोस्तों ये जिला चूज करना है, किस जिले से आप बिलोंग करते हैं वो चीज़ आपको चूज कर लेना है। यहाँ से देखिए जैसे मान लीजिए हम गोरखपुर से बिलोंग करते हैं तो यहाँ गोरखपुर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन को आपको टिक करना है, टिक रहने देना है। उसके बाद से यहाँ पे गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका राशन कार्ड खुल के आ जाएगा। तो चलिए हम आपको अपना राशन कार्ड नंबर डाल के हमको दिखा देते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ से आप जैसे आप अपना डालेंगे तो यहाँ राशन कार्ड फेचिंग का ऑप्शन आएगा। यहाँ से थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, थोड़ा सा सर्वर का इशू है, यहाँ पे जैसे भीड़ ज़्यादा हो गई है इस वजह से सभी लोग डाउनलोड कर रहे हैं, इतना तेज़ हो रहा है। तो आप अगर दोस्तों आपको नहीं आता है तो यहाँ से रिफ्रेश पे क्लिक करना है। रिफ्रेश पे क्लिक करने के बाद से थोड़ा सा फिर से वेट करना है आपको, थोड़ा इतना हो रहा है दोस्तों यहाँ पे जैसे सभी लोग डाउनलोड कर रहे हैं इतना तेज़ हो रहा है। तो देखिए हमारा आ गया है, खुल के आ गया, पता चल गया है। अब यहाँ से ओपन करने का भी ऑप्शन आ जाएगा। देखिए व्यू PDF का खुलने का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे अपने राशन वाले पे तो खुल जाएगा। देखिए हमारा ये खुल गया है, इस तरीके से आपका अभी खुल जाएगा, यहाँ से राशन कार्ड का आपका मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ से देखिए ये सर्टिफाइड ये गवर्नमेंट की तरफ से है। यहाँ से देखिए हमारा टिक मार्क भी लगा हुआ है, ये मतलब हमारा डिजिटली साइन है।
साइन है और मेरा जो है वेरीफाई है। यहाँ से देखिए आपका इस तरीके से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए एक डाउनलोड करने का बटन भी है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से परमिशन अलाउ करेंगे, अलाउ करने के बाद ये आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा कम्प्लीट तरीका जिसमें मैंने आपको बताया और सिखाया कि कैसे आप दोस्तों अपना राशन कार्ड डाउनलोड करेंगे, डिजिटल या स्मार्ट राशन कार्ड जो है आपको कैसे डाउनलोड करना है उसका पूरा कंप्लीट तरीका। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।